हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें हमने इसके पहले एक लेक्चर में सेक्शन 41 देखा था। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 42, 43 एंड सेक्शन 44। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 42 के मार्जिन नोट्स में क्या दिया गया है कि रेलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41, मीन्स जिन निर्णयों, आदेशों और डिक्रियों का जिक्र सेक्शन 41 में किया गया है, उनसे भिन्न, उनसे अलग डिक्रियों, आदेशों और निर्णयों की सुसंगति और उनका प्रभाव। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि जजमेंट्स, ऑर्डर और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41 आर रिलेवेंट इफ दे रिलेट्स टू मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर रिलेवेंट टू द इंक्वायरी, बट सच जजमेंट्स, ऑर्डर और डिक्री आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ दैट विच दे स्टेट, मीन्स वे निर्णय, आदेश या फिर डिक्रियाँ जिनका जिक्र, जिनका उल्लेख सेक्शन 41 में किया गया है, उनसे भिन्न, उनसे अलग निर्णय, आदेश या फिर डिक्रियाँ, अगर वे निर्णय, आदेश या फिर डिक्रियाँ जांच में सुसंगत लोक प्रकृति के बातों से संबंधित हैं, तो वे निर्णय, आदेश या फिर डिक्रियाँ सुसंगत होगी, किंतु वे निर्णय, आदेश या फिर डिक्रियाँ उन बातों का निश्चायक सबूत नहीं होंगी जिनका उल्लेख उसमें किया गया है, जिनके बारे में उनमें कथन किया गया है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझें तो सेक्शन 42 में यह दिया गया है कि ऐसे जजमेंट्स, डिक्रियाँ फिर ऑर्डर्स जिनका जिक्र सेक्शन 41 में किया गया है, जिनका उल्लेख सेक्शन 41 में किया गया है, उनसे व्यतिरिक्त, उनसे अलग या फिर उनसे भिन्न जो डिक्रियाँ होंगी या फिर आदेश होंगे या फिर जजमेंट होंगे, वो भी सुसंगत होंगे अगर वे जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रियाँ जाँच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं। लेकिन वे जजमेंट, ऑर्डर और जो डिक्रियाँ होंगी, वो उन बातों का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगी, निश्चायक सबूत नहीं होंगी जिनका जिक्र उनमें किया गया है, मीन्स जिनका कथन उनमें किया गया है। मीन्स इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 41 में जिन जजमेंट्स, ऑर्डर और डिक्रियों की बात की गई है, वो तो रिलेवेंट होंगे ही, लेकिन उनके अलावा जो दूसरे जजमेंट्स, डिक्री और ऑर्डर्स होंगे, वो भी रिलेवेंट होंगे अगर वे जजमेंट्स, डिक्रियाँ और ऑर्डर्स जाँच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हों। लेकिन ऐसे जजमेंट्स, डिक्री या फिर ऑर्डर्स उस कथन का, उस स्टेटमेंट का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे जिनके बारे में उनमें उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, इसको हम एक इलस्ट्रेशन द्वारा समझते हैं। तो इलस्ट्रेशन कह दिया गया है कि ए सूज बी फॉर ट्रेसपास ऑन हिज लैंड, बी एलेजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पब्लिक राइट ऑफ वे ओवर द लैंड विच ए डिनाइज, और उसमें कह दिया गया है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिक्री इन फेवर ऑफ अ डिफेंडेंट इन अ सूट बाई ए अगेंस्ट सी फॉर अ ट्रेसपास ऑन द सेम लैंड इन विच सी एलेज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ सेम राइट ऑफ वे इज रिलेवेंट, बट इट इज़ नॉट कंक्लूसिव प्रूफ दैट द राइट ऑफ वे एग्जिस्ट। तो फ्रेंड्स, इस इलस्ट्रेशन कह दिया गया है कि एक लैंड है, एक जमीन है जिसका मालिक ए है, और बी एक पर्सन है जो इस लैंड पे, इस जमीन पे मार्गाधिकार क्लेम कर रहा है। ठीक है, बी का कहना है कि इस लैंड पे लोगों को आने जाने के लिए एक पब्लिक रास्ता है, और बी जो है वो उस रास्ते का इस्तेमाल करता है, इसलिए ए ने बी के ऊपर ट्रेसपास का केस किया। ठीक है, और ये जो केस है, जो ए ने बी के ऊपर किया है, इस केस से पहले ए ने सी के अगेंस्ट भी ऐसा ही केस किया था ट्रेसपास का, क्योंकि सी ने भी क्लेम किया था इस मार्गाधिकार का। सी का भी कहना था कि ए के लैंड पे पब्लिक वे है, लोगों को आने जाने के लिए रास्ता है। ठीक है, और जो केस ए ने सी का केस किया था, उस केस में सी के फेवर में डिग्री पास हुई थी, मीन्स उस केस में सी जीत गया था, सी का जो क्लेम था उसे कोर्ट ने सही ठहराया था और सी के फेवर में डिग्री पास की थी। तो जो डिग्री इस केस में पास हुई है, जो ए ने सी का केस किया था, वो जो डिक्री है वो इस केस में रिलेवेंट होगी। कौन से केस में? जो ए ने बी के अगेंस्ट दाखिल किया है, इस केस में जो डिक्री पास हुई थी वो डिक्री इस केस में रिलेवेंट होगी, लेकिन वो डिक्री इस बात का निश्चायक सबूत नहीं होगी कि जो ये राइट है, राइट ऑफ वे जो है उस लैंड पे, वो एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व है, इस बात के लिए वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगी, लेकिन वो डिक्री जो है वो इस केस में रिलेवेंट होगी। ठीक है, तो सेक्शन 42 में यह दिया गया है कि ऐसे जजमेंट्स, डिक्री या फिर ऑर्डर जिनका जिक्र सेक्शन 41 में नहीं किया गया है, जो सेक्शन 41 में मेंशन नहीं किए गए हैं, वे जजमेंट्स, डिक्रीज और ऑर्डर भी सुसंगत होंगे, रिलेवेंट होंगे अगर ऐसे जजमेंट्स, डिक्रीज और ऑर्डर जहाँ से संबंधित किसी
पब्लिक नेचर वाले फैक्ट से संबंधित हो, लेकिन वे जजमेंट्स ऑर्डर और डिक्री जो है वो उन बातों के लिए कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे जिनका कथन उनमें किया गया है। सो फ्रेंड्स, अब हम इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 43 देखते हैं। तो देखते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 43 के मार्जिन नोट्स में क्या दिया गया है कि जजमेंट्स एटसेट्रा अदर देन दोज मेंशनड इन सेक्शन 40 to सेक्शन 42 व्हेन रिलेवेंट, मीन्स वे जजमेंट्स डिक्री या फिर ऑर्डर जिनका जिक्र सेक्शन 40 से लेकर 42 में नहीं किया गया है वे कब सुसंगत होंगे। ऐसे जजमेंट्स डिक्रीज या फिर ऑर्डर जो सेक्शन 40, 41 और 42 में दिए गए जजमेंट से भिन्न हों या उनसे अलग हों वे जजमेंट डिक्रीज और ऑर्डर कब सुसंगत होंगे, कब रिलेवेंट होंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसमें आगे कह दिया गया है कि जजमेंट्स ऑर्डर्स और डिक्री अदर देन दोज मेंशनड इन सेक्शन 40, 41 एंड सेक्शन 42 आर इररिलेवेंट अनलेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज फैक्ट इन इशू और इज रिलेवेंट अंडर सम अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। मीन्स ऐसे निर्णय आदेश या फिर डिक्रियाँ जो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 40, 41 और 42 में दिए गए जजमेंट्स ऑर्डर और डिक्रियों से भिन्न हैं, अलग हैं, वे निर्णय वे डिक्रियाँ वे आदेश विसंगत होंगे, इररिलेवेंट होंगे जब तक कि ऐसे निर्णयों आदेशों और डिक्रियों का अस्तित्व विवादक तथ्य न हो या फिर वे निर्णय आदेश या डिक्रियाँ इस एक्ट में दी हुई किसी और प्रोविजन के अंदर रिलेवेंट ना हो। मीन्स इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 43 में ही दिया गया है कि ऐसे जजमेंट्स डिक्री और ऑर्डर जिनका जिक्र इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 40, 41 और 42 में नहीं किया गया है वे जजमेंट डिक्री और ऑर्डर सुसंगत नहीं होंगे, रिलेवेंट नहीं होंगे जब तक कि ऐसे जजमेंट डिक्री और ऑर्डर का अस्तित्व ही फैक्ट इन इश्यू ना हो। अगर ऐसे जजमेंट डिक्री और ऑर्डर का अस्तित्व जो है वो फैक्ट इन इश्यू होगा तो वे जजमेंट डिक्री और ऑर्डर रिलेवेंट होंगे, अदरवाइज ऐसे जजमेंट डिक्री और ऑर्डर इररिलेवेंट होंगे जिनका जिक्र इंडियन एविडेंस के सेक्शन 40, 41 और 42 में नहीं किया गया है या फिर ऐसे जजमेंट डिक्री और ऑर्डर इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी और प्रोविजन में रिलेवेंट होंगे तो फिर वो रिलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल भाषा में इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 40, 41 और 42 में दिए गए जजमेंट जो है वो रिलेवेंट होंगे, लेकिन उनके अलावा जो जजमेंट हैं वो भी रिलेवेंट होंगे, लेकिन ऐसे जजमेंट तभी रिलेवेंट होंगे जब उनका एग्जिस्टेंस ही फैक्ट इन इशू हो, मीन्स उनका अस्तित्व ही विवादक तथ्य हो, तभी वो जजमेंट रिलेवेंट होंगे, या फिर ऐसे जजमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी और प्रोविजन में रिलेवेंट हैं तो फिर वो रिलेवेंट होंगे, अदरवाइज ऐसे जजमेंट जिनका जिक्र इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 40, 41 और 42 में नहीं किया गया है वे सभी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इररिलेवेंट होंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसको समझने के लिए हम इस सेक्शन में दिए गए कुछ इलस्ट्रेशन को देखते हैं। तो जो पहला इलस्ट्रेशन है उसमें क्या दिया गया है कि ए एंड बी सेपरेटली सू फॉर अ लायबल विच रिफ्लेक्ट्स अपॉन ईच ऑफ देम, सी इन ईच केसेस दैट द मैटर एलेज्ड टू बी लायबलस इज ट्रू एंड द सर्कमस्टेंसेस आर सच दैट इट इज प्रोबेबली ट्रू इन ईच केस और इन नाइदर। और उसमें क्या दिया गया है कि ए ऑब्टेन्स अ डिक्री अगेंस्ट सी फॉर डैमेजेस ऑन द ग्राउंड दैट सी फेल टू मेक आउट हिज जस्टिफिकेशन, द फैक्ट इज इररिलेवेंट एज बिटवीन बी एंड सी। तो फ्रेंड्स इसमें क्या दिया गया है कि ए और बी ने अलग अलग सी के अगेंस्ट केस दाखिल किया है, किसके लिए कि सी ने ए और बी के अगेंस्ट अपमान लेख लिखा है। ए और बी का कहना है कि सी ने इन दोनों के अगेंस्ट अपमान लेख लिखा, इसलिए एक केस ए ने सी के अगेंस्ट दाखिल किया है और दूसरा केस बी ने सी के अगेंस्ट दाखिल किया है, और दोनों केस में सी का यह डिफेंस है कि जो उसने अपमान लेख लिखा है वो ट्रू है, वो सही है, इनको लग रहा है कि अपमान लेख है लेकिन वो जो लेख सी ने लिखा है वो ट्रू है, ऐसा सी का कहना है। ठीक है, और उसमें आगे क्या दिया गया है कि उस केस में जो ए ने सी का अगेंस्ट दाखिल किया था उस केस में सी जो है वो अपनी बात को जस्टिफाई करने में फेल हो जाता है, इसलिए ए के फेवर में डैमेज की डिग्री पास हो जाती है, मीन्स ए जो है वो केस जीत जाता है। लेकिन इस केस की जो डिग्री है, जो केस ए ने सी का अगेंस्ट दाखिल किया था, इस केस की जो डिग्री है वो उस केस में जो बी ने सी का अगेंस्ट दाखिल किया है उसमें रिलेवेंट नहीं होगी। ठीक है, वो जो डिग्री उस केस में पास हुई जो केस ए ने सी का अगेंस्ट दाखिल किया था वो डिग्री उस केस में इररिलेवेंट होगी जो केस बी ने सी का अगेंस्ट दाखिल किया है। ठीक है, भले ही ए जो है जीत जाता है, ए को डैमेजेस मिल जाते हैं, ये साबित कर देता है कि सी ने उसके अगेंस्ट अपमान लेख लिखा था और ए को डैमेजेस मिल जाता है, लेकिन इस केस में जो डिग्री पास हुई है वो डिग्री
इस केस में जो बी ने सी का क्लेम दाखिल किया है उसमें रिलेवेंट नहीं होगी, वो डिक्री इस केस में इरिलेवेंट होगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि ए हैज़ ऑब्टेन अ डिक्री फॉर पजेशन ऑफ लैंड अगेंस्ट बी, सी बी सन मर्डर ए इन कंसिक्वेंस, और उसमें क्या दिया गया है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ जजमेंट इज रिलेवेंट एज शोइंग मोटिव फॉर अ क्राइम। तो फ्रेंड्स, इस इलस्ट्रेशन क्या दिया गया है कि ए और बी के बीच किसी लैंड के पजेशन के लिए कोई केस चालू था और वो केस जो है वो ए जो है जीत जाता है, मीन्स ए के फेवर में उस केस में डिक्री प्राप्त हो जाती है, ए को उस लैंड का पजेशन मिल जाता है। तो उसके परिणाम स्वरूप उसकी वजह से बी का जो लड़का सी है वो जो है ए का मर्डर कर देता है, ठीक है, सी जो है वो ए का मर्डर कर देता है। तो वो जो जजमेंट है जो ए ने बी के अगेंस्ट प्राप्त किया था, वो जजमेंट ये दिखाने के लिए, ये साबित करने के लिए रिलेवेंट होगा कि सी को ए का मर्डर करने का मोटिव था, सी के पास ए का मर्डर करने का मोटिव था, क्योंकि सी का जो बाप है बी वो केस हार गया था ए से। सो फ्रेंड्स, अब हम इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 44 देखते हैं, तो देखते हैं कि उसके मार्जिन ऑप्शन में क्या दिया गया है कि फ्रॉड और कोल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट मे बी प्रूव्ड, मीन्स जजमेंट प्राप्त करने में कपट, दुसंधि या फिर कोर्ट की अक्षमता साबित की जा सकेगी। मतलब अगर कोई जजमेंट फ्रॉड या फिर कोल्यूजन द्वारा प्राप्त किया गया है या फिर जिस कोर्ट ने वो जजमेंट दिया था वो कोर्ट जजमेंट देने के लिए सक्षम नहीं था, इस बात को साबित किया जा सकेगा। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि एनी पार्टी टू अ सूट और अदर प्रोसीडिंग मे शो दैट एनी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री विच इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 40, 41 और 42 एंड विच हैज़ बीन प्रूव्ड बाय द एडवर्स पार्टी वॉज डिलीवर्ड बाय अ कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट टू डिलीवर इट और वॉज ऑब्टेन बाय फ्रॉड और कोल्यूजन, मीन्स वाद या फिर अन्य कार्यवाही का कोई भी पक्षकार यह दिखा सकेगा, यह दर्शित कर सकेगा कि कोई निर्णय, आदेश या फिर डिक्री जो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 40, 41 और 42 के अधीन रिलेवेंट है, सुसंगत है और जो एडवर्स पार्टी द्वारा मीन्स प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा चुकी है, ऐसे निर्णय, आदेश या फिर डिक्री कपट या फिर दुसंधि द्वारा प्राप्त की गई थी या फिर ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई थी जो न्यायालय ऐसा निर्णय, डिक्री या फिर आदेश देने में सक्षम नहीं थी। मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 44 के अनुसार किसी भी सूट या फिर प्रोसीडिंग का पक्षकार यह दिखा सकेगा, यह दर्शित कर सकेगा कि कोई जजमेंट, डिक्री या फिर ऑर्डर जो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 40, 41 और 42 के अधीन रिलेवेंट है, सुसंगत है और जो अपोजिट पार्टी द्वारा मीन्स प्रतिपक्षी द्वारा साबित किया जा चुका है, ऐसा जजमेंट, डिक्री या फिर ऑर्डर फ्रॉड और कोलिजन द्वारा प्राप्त किया गया था या फिर ऐसे कोर्ट द्वारा दिया गया था जो कोर्ट ऐसा जजमेंट, डिक्री या फिर ऑर्डर देने के लिए इनकॉम्पिटेंट था, मीन्स इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 40, 41 और 42 में जिन जजमेंट का जिक्र किया गया है, जिन जजमेंट का उल्लेख किया गया है, वो जजमेंट जो है वो किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में रिलेवेंट होंगे। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 44 के अनुसार भले ही वो सभी जजमेंट रिलेवेंट हों और अपोजिट पार्टी द्वारा साबित किए जा चुके हों, लेकिन उस सूट और प्रोसीडिंग के जो पक्षकार हैं उनको ये राइट है कि वो ये दर्शित कर सकें, ये दिखा सकें कि ये जो जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर हैं वो फ्रॉड और कोलिजन द्वारा प्राप्त किए गए थे या फिर ऐसे कोर्ट द्वारा दिए गए थे जिस कोर्ट को ऐसा जजमेंट, डिक्री या फिर ऑर्डर देने का अधिकार ही नहीं था, मीन्स वो कोर्ट जो है वो ऐसा जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर पास करने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं था। सो फ्रेंड्स, आज के बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।